दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में फ्यूडी एच क्रीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी बीमारी में काम आती है, साइड इफेक्ट क्या है, किस तरह से लगाई जाती है, इसकी सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए फ्यूडिक एच क्रीम एक ब्रांड नेम है एच एंड एच कंपनी का। दोस्तों स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कहाँ चलती है, तो देखिए कई बार स्किन के ऊपर एक बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिनके कारण स्किन लाल रहती है, खराब रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये लगाई जाती है, तो खाना नहीं है, अप्लाई की जाती है हल्के हाथों से। अगर घाव है, घाव पर भी ये लगाई जाती है, किसी चीज़ का कट गया है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ ये सूजन को भी कम करती है और इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। खुजली की दिक्कत है वहाँ पर भी ये काम आती है, इचिंग को कम करती है। कुछ केसेज में दोस्तों ये फेस की स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि कई बार फेस की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिनके कारण ये समस्या आती है कि कील मुहासे आने लगते हैं, पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं, तो वहाँ पर ये निशान को कम करती है। सूजन भी दोस्तों आ जाती है फेस की स्किन के ऊपर, तो लालिमा को भी कम करती है, सूजन को भी कम करती है। आंख में दोस्तों कोई इन्फेक्शन हो गया है, फुंसी वगैरह होने लगी है, तो वहाँ पर भी लगाई जाएगी। बॉडी में कहीं पर भी अगर फोड़ा फुंसी है, वॉक्स पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, काम करती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं दो सोल्ट, पहला है फ्यूसिडिक एसिड 2%, दूसरा दोस्तों हाइड्रोकोर्टिसोन। तो फ्यूसिडिक एसिड एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक दोस्तों बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, साथ ही साथ उन प्रोटीन को बनने से रोकती है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया पनपते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन दोस्तों एक एस्ट्रॉइड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है। एक तो फ्यूसिडिक एसिड को सपोर्ट करता है, वीक नहीं पड़ने देता बैक्टीरिया से लड़ते समय, साथ ही साथ सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, एस्टेरॉइड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है। डोज की बात करें भाई कितनी बार लगाएं, किस तरह से लगाएं, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, हल्के हाथों से रगड़ना नहीं है, जितने एरिया में लगानी है जितने एरिया में प्रॉब्लम है उतने एरिया में लगाना है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इस क्रीम का यूज़ करने के बाद, जैसे कि स्किन जलने लगे, स्किन के ऊपर इचिंग बढ़ जाए, पपड़े से बन जाए, या स्किन लाल हो जाए बहुत ज़्यादा, तो ये साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर किसी को नहीं होते हैं, बहुत ही सेफ क्रीम ये मानी जाती है, रेयर चांस में ही होती है। दोस्तों सावधानी वैसे ये कि डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, अच्छा रहता है। लगाने के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत डॉक्टर को बता दीजिएगा, इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा। तो संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, कुछ भी समझ में आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।